भगवान श्री कृष्ण ने खेली थी सबसे पहले फूलों की होली राधा रानी के साथ। जानेंगे पूरी कहानी फुलेरा दूज की इस पौराणिक कथा में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने होली खेलने की परंपरा शुरू की थी एवं मान्यताओं के अनुसार अत्यधिक व्यस्त होने के कारण भगवान कृष्ण राधा जी से मिलने नहीं आ पा रहे थे, जिसके कारण श्री राधा रानी के दुखी होने पर उनकी सहेलियां भी कृष्ण से रूठ गईं। राधा के उदास होने के कारण मथुरा के वन सूख गए और पुष्प मुरझाने लगे, वनों की हालत का अंदाजा लग गया। ये सब देख भगवान श्री कृष्ण ने राधा से मिलने का निश्चय किया। श्री कृष्ण जैसे ही राधा से मिलने वृंदावन पहुंचे, राधा खुश हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। पास के मुरझाए हुए पुष्पों के खिल जाने पर कृष्ण ने उन्हें तोड़ लिया और राधा को छेड़ने के लिए उन पर मारने लगे। कृष्ण के जवाब में राधा ने भी ऐसा ही किया। ये देख वहां मौजूद ग्वाले और गोपियां भी एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। इसी दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी कि दूज थी, इसलिए इस तिथि को फुलेरा दूज के नाम से जाना जाता है। इसी तरह फुलेरा दूज पर फूलों की होली खेलने की शुरुआत हुई, इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले राधा और गोपियों संग होली खेली थी।